नमस्कार, माय सेल्फ एनआर सियोटा बापिनी जोधपुर। मेरा चैनल राज एग्रोकल्चर जोधपुर में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक कंटेंट लेकर आया हूं जिसका नाम है ऊप छठ, हल छठ, चंदन छठ और छठ पूजा के नाम से भी ये जाना जाता है। दोस्तों, ये छठ जो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन ये मनाया जाने वाला व्रत उत्सव है। और दोस्तों, कि राजस्थानी में ऐसा भी कहा जाता है कि 7 दिनों के अंदर 9 त्योहार मनाए जाते हैं, यानी कि 7 दिनों के अंदर 9 त्योहार आते हैं। और दोस्तों, इस व्रत की शुरुआत है जो महिलाओं के द्वारा सुबह उठते ही शुरुआत हो जाती है और ये मुख्य तो महिलाओं का त्योहार है। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां इसलिए इस व्रत को करती हैं कि उनका मनचाहे वर मिले और अच्छा मिले और अपनी लाइफ, मतलब अपनी उम्र है लंबी रहे और माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुहागिन महिला इसलिए करती कि अपने पति का जो दीर्घायु रहे और अपनी लाइफ लाइन यानी कि वैवाहिक जीवन वो अच्छा गुजरे और सास ससुर के साथ में अच्छा संबंध बना रहे। और इस त्यौहार को विधवा महिला भी करती है। विधवा महिला इसलिए करती है कि उनका वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण बहुत होता है, वो मतलब आसानी से कटे और मोक्ष की प्राप्ति हेतु मार्ग प्रस्तुत हो। दोस्तों, इस मतलब त्योहार के दिन ऐसे भी मान्यता रहती है कि राजस्थान के अंदर यानी कि ऊंट होता है, एक पशु है, यानी कि उसका जमारा टले, यानी कि ऊंट एक खड़ा रहने वाला पशु है, उसका जमारा टलता है। कैसे कि यानी कि ऊप छठ का जो व्रत महिला कर लेती है उसका पशु का जमारा टल जाता है। दोस्तों, ये त्योहार है विशेषकर मतलब कि सूर्य अस्त से लेकर के चंद्र उदय तक चलता है विशेषकर, यानी कि रात को 6 घड़ी होती है तब ये चांद का उदय होता है और उसके समय ये मतलब जल अर्पण करके चंदन का लगा करके महिला अपने व्रत का परिहरण करती है। दोस्तों, जब मतलब कि महिला शाम के समय जो व्रत करने वाली महिला होती है वो मतलब राजस्थानी पहनावा पहन करके यानी कि वो अपना पहनावा पहन करके सज धज करके पूजा की सामग्री लेकर के मंदिर जाती है और मंदिर में श्री कृष्ण और उनके बड़े भ्राता भगवान श्री बलराम जी की पूजा अर्चना करती है। उसके साथ में अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करती है और अपने सिर पर चंदन का तिलक लगाती है और इसलिए यह चंदन षष्ठी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये अपने महिला अपने सिर पर चंदन लगाती है। और दोस्तों, जब ये इस त्योहार में खड़े रहने का विशेष महत्व है और महिला मतलब पूरे दिन अपने व्रत के नियमों का पालन करती है और शाम के समय ये मतलब कि महिला अपने पूरे खड़े रहने का जो पुण्य प्राप्त करना चाहती है वो चंदन का यानी कि उनको जल अर्पण करके और उससे पहले अपने मंदिर में कथा वगैरह सुनती है छठ पूजा की और छठ पूजा करती है और इसलिए ये दिन महिलाओं के लिए विशेष पूर्ण होता है। और दोस्तों, ये त्योहार यानी कि हल षष्ठी के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि हल षष्ठी यानी कि भगवान हलराम यानी कि बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता थे उनका जन्म उत्सव के रूप में भी ये मनाया जाता है और यानी कि उनका प्रतीक चिन्ह वो हल है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का बड़े भ्राता का यानी कि हथियार वो भी हल था और किसान का यानी कि साधन है जो उपज का साधन है खेती का वो भी हल है। इसलिए वो किसान है अपने हल की पूजा करता है और भगवान श्री मतलब बलराम जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाता है। दोस्तों, मेरा कंटेंट यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।